लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसूर। शांतम शाश्वतम प्रमेयमानघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनोषम हरिम वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरामे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामम् हेम शैलाभुदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। थारो अभिनंदन करा सारो परिवार गजानन आन पधारो लड़ावा लाड में थारो गजानन आन पधारो लड़ा
मेरा सारो परिवार गौरी नंदन थारो अभिनंदन घरा सारो परिवार गजानन आन पधारो लड़ावा लाड में थारो गजानन आन पधारो लड़ावा लाड में थारो साक्षात भक्ति के स्वरूप भक्ति श्रोमणी के चरणों में चलते हैं। आज ये समापन पर्व श्री हनुमत चरित सप्त सुरभि का बालाजी की पूर्ण शरणागति लेते हुए कहते हैं आइए कि आसरो बालाजी माने थारो थे कष्ट निवारो। और हे बालाजी इस डिजिटल रूप में जो आप इस चरित कथा के माध्यम से हम सबके हजारों हजारों भक्तों के और इस कथा के समापन के पश्चात भी YouTube और Facebook के माध्यम से आप जब जब भी इसका भक्तजन श्रवण करेंगे उन सब के कष्टों को हरिएगा उनका आसरा बनिएगा और उनके घर में विराजमान होइएगा। कैसे पधारो मारे आंगणिए पधारो थारी में बुलागा जय जयकार
हरी है बोला का जय जयकार। आसरो बालाजी माने थारो हे कष्ट निवारो पधारो हरे आंगणे पधारो पापी घन घोर, ये ही ना सुनोगा
शिवाजी महाराज की, श्री राम के गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। राम रसिक गुण खान अतुलित बल के धाम, हनुमान जी की चरण वंदना करने के बारे में आइए आज साक्षात अपने प्रभु की कथा से अति प्रसन्न होकर। अक्सर ज्ञानी जन कहते हैं जहां राम जी की कथा होती है, जहां राम नाम का उच्चारण होता है, भक्त शिरोमणि स्वतः ही वहां पहुंच जाते हैं। कहते हैं राम कथा के रसिक, राम कथा के श्रोता हनुमान जी महाराज हैं। तो फिर हनुमत चरित के श्रोता स्वयं प्रभु श्री राम जी हैं। जामत जी ने जिस प्रकार हनुमान जी के बारे में कल की कथा में हमने सुना, रामचंद्र जी को आकर कहा, तो राम जी अति प्रसन्न हुए। इसीलिए इस हनुमत चरित में आज राम जी का आगमन हुआ। राम जी स्वयं श्रोता है, आइए राम जी की चरण वंदना करते हैं। श्री राम, श्री राम, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम।
रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय जगदीश साक्षात जगत को जीवन की कला सिखाने वाले, तार्किकता अंगीकार करके ये शब्द कह रहा हूं, जीवन की कला सिखाने वाले श्री सीताराम जी के चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए और अपना मन माणिक्य भक्ति शिरोमणि श्री हनुमान जी के चरणों में धरते हुए आज इस कथा के सप्तम पुष्प को हम बालाजी के चरणों में अर्पण करते हैं। प्रेमियों, कल की कथा में हमने श्रवण किया इंद्रजीत द्वारा मेघनाद द्वारा शक्ति का संधान करने पर लक्ष्मण जी चिर मूर्छा में गए। लक्ष्मण जी के प्राण बचाने हेतु विभीषण जी ने सुझाया जामवान जी की मदद से कि लंका में सुसेन नाम का वैद्य है, अगर वो आकर नाड़ी परीक्षा करे तो वो बतला सकता है कि लक्ष्मण जी के प्राण कैसे बचें, ये चिर मूर्छा कैसे दूर हो। और इसी के चलते वैद्य सुसेन को ग्रह समेत ले, ग्रह वैद्य सुषेण समेत हनुमान जी महाराज रामादल के पास लेकर आई और सुषेण वैद्य के कहने पर कि द्रोणागिरी में एक पर्वत है और उस पर्वत के ऊपर जो अलग अलग औषधि बूटियां हैं, अगर उनमें से संजीवन बूटी को अगर लेकर आया जाए
और प्रातः सूर्योदय से पहले अगर इसका रस लक्ष्मण जी के नासिका के माध्यम से अगर उनके अंदर प्रविष्ट कराया जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। राम काज लगी तब अवतारा, राम जी के हर कार्य में, हर कार्य को सिद्ध करने के लिए हनुमान जी महाराज सदैव तत्पर हैं और उसी तत्परता के चलते हनुमान जी महाराज तुरंत तैयार हो गए जाने के लिए कि जिनकी गति जो वायु पुत्र हैं वायु से भी ज्यादा अच्छा, वायु से भी ज्यादा तेज गति जिनकी है, अपितु ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मन की गति से भी ज्यादा तेज हनुमान जी की गति है। कल की कथा में जिस प्रकार मैंने उनके अतुलित बल के बारे में और वेग के बारे में बताया था, कहने का तात्पर्य केवल इतना है प्रेमियों कि मन के वेग से भी ज्यादा तीव्र गति से जा रहे हनुमान जी महाराज, जिन्होंने कालनेमी जो रावण द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस था उसका उद्धार किया और उसके पश्चात जब द्रोणागिरी को लेकर अपने हाथों में उठाए, जब वापस रामादल की ओर, दक्षिण दिशा की ओर, लंका की ओर जा रहे हैं, उस समय एक कथा यहां ये भी आती है कि माता सुमित्रा जी के उसी के दो दिन पूर्व माता सुमित्रा जी को स्वप्न में ऐसा दिखाई दिया मानो उनके बाईं भुजा में सर्प ने दंश मारा है। कहते हैं लक्ष्मण जी का एक नाम सौमित्रेय भी है और इस सौमित्रेय नाम के चलते वाम भाग लक्ष्मण जी और दाहिना भाग शत्रुघ्न जी को सुमित्रा जी मानती। वाम भाग में सर्प दंश की उस स्वप्न को देखने के बाद उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया और भरत जी ने सलाह करके एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। शांति यज्ञ के समाप्त होने के पश्चात आकाश मार्ग से इतने बड़े पर्वत को लेकर जाते हुए हनुमान जी को रात्रि के समय में जब देखा, एक किसी अनिष्ट की आशंका से या अशुभ की आशंका से भरत जी ने बिना नोक वाला बाण संधान किया और हनुमान जी महाराज नीचे गिर पड़े और मूर्छित हो गए। क्योंकि हनुमान जी महाराज मूर्छा में हैं, भरत जी ने देखा कि मुझे तो लगा कोई असुर है पर ये तो वानर है। कहते हैं हनुमान जी महाराज की मूर्छा को तोड़ने के लिए भरत जी ने भी अपने मन में, वचन में, कर्म में अपने परमात्मा जिनके चरणों की प्रीति में रमे हुए भरत जी हैं, संत भरत जी हैं, ऐसे संत भरत जी राम जी के चरणों का आश्रय लेकर और हनुमान जी के लिए प्रार्थना कहते हैं, प्रभु अगर मनसा वाचा कर्मणा पूरी तरह से अगर मैं आपके चरणों में अनुरक्त हूं, अगर आप रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर इतना करिए कि ये वानर अपनी मूर्छा को त्याग दे। इतना कहने की देरी थी कि श्री राम जय, राम जय जय राम, 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 श्री राम जय, राम जय जय राम। सुनत वचन उठी बैठ कपीसा, सुनत वचन कपी बैठ कपीसा, कहे जय जय ती भोसला धीसा, कही जय जय ती भोसला धीसा, सुनत वचन उठी बैठ कपीसा।
कपीसा सुनत बचन उठी बैठ कपीसा कहीं जय जयती कोसला दीशा कहीं जय जयती कोसला दीशा। श्री राम जय राम जय जय राम की धुनी लगाते हुए साक्षात हनुमान जी महाराज उठकर बैठ गए। कहते हैं अयोध्या में महलों के अंदर समाचार पहुंचा कि राम जी का नाम लेने वाला वानर अयोध्या की धरती पर भरत जी के बाण से मूर्छित होकर पड़ा है। तीनों माताएं और रानियां ये सारी की सारी वहां अपनी अपनी पालकियों में पहुंची हैं। भरत जी ने हनुमान जी से पूछा आप कौन हैं? सारा का सारा रामचरित हनुमान जी महाराज ने सुनाया, अभी तक की सारी कथा सुनाई और लक्ष्मण जी के मूर्छित होने का भी बात बताया और कहा कि अगर आप मुझे इस बाण से अगर नहीं मारते तो हो सकता है अभी तक तो मैं सागर पार पहुंच चुका होता और राम जी की गोद में लेटे हुए लक्ष्मण जी अभी तक प्राणदान पा गए होते। मन में थोड़ा क्षोभ भी है और एक तरह से संत स्वरूपी भरत जी के द्वारा मारा हुआ वो कुपित होकर मारा हुआ वो बाण है किसी अनिष्ट की आशंका से भले ही बिना सोचे विचारे ही क्यों ना हो। हनुमान जी में मूर्छा तो त्याग दिए लेकिन थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है, थोड़ी दुर्बलता महसूस हो रही है हनुमान जी। साथ तीनों माताओं ने हनुमान जी से राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी की सकुशलता पूछी। लक्ष्मण जी की भारिया उर्मिला सबसे आखिरी में कोने में खड़ी हुई, सबने हनुमान जी के शीश नवाए, सबने हनुमान जी से चरित्र सुना, राम जी के लक्ष्मण जी के सीता जी के हालचाल समझे। किसी ने उर्मिला जी से भी कहा अरे तुम्हारे पति शेषावतार लक्ष्मण जी वहां मूर्छित पड़े हैं, अगर तुमको भी कुछ कहना है तो हनुमान जी से कह दो। उन्होंने ना में मुंडी है, उन्होंने ना कह दिया, ना में गर्दन हिला दी। माता कौशल्या ने खास कर जाकर उर्मिला से कहा पुत्री तुम्हारे मन में क्या चिंता हो रही होगी मैं जानती हूं, अगर तुम भी अपना कोई समाचार राम जी तक या लक्ष्मण जी तक पहुंचाना चाहती हो तो हनुमान से कह दो, हनुमान जा रहा है। उर्मिला ने ना में गर्दन हिला दी, कहा मां मुझे कुछ नहीं कहना, ना मुझे पूछना है। कौशल्या जी ने कहा लोकाचार के चलते ही पूछ लो, लक्ष्मण जी इतनी बड़ी त्रासदी में हैं और अगर तुम अभी भी अगर उनके लिए कुछ नहीं पूछोगी तो लोकों में जन्मे तुम्हारी अपकीर्ति होगी, तुम्हारे लिए गलत संदेश जाएगा। उर्मिला जी कहते हैं नहीं मां मुझे लक्ष्मण जी के लिए मुझे अपने पति के लिए कुछ नहीं पूछना, कारण क्या? कहे मां साक्षात अभी आप ही ने तो बताया, हनुमान जी के द्वारा मालूम पड़ा कि राम जी की गोद में लक्ष्मण जी हैं, साक्षात जगदीश्वर की गोद में जो पड़े हैं, अगर उनकी गोद में रहते भी अगर इनके अगर प्राण चले जाएं तो इसमें तो बदनामी प्रभु की स्वयं की होगी। साक्षात जगदीश की गोद में जो हैं उसके प्राण दान के लिए उसके जीवन दान के लिए मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ नहीं कहना। मैंने कल भी कहा था बारंबार कह रहा हूं प्रेमियों, रामायण ये भोग की नहीं त्याग की कथा है। हर एक पात्र अपने आप में एक दूसरे से ज्यादा त्याग की प्रतिस्पर्धा मानो कर रहा है और सारे ही प्रथम क्रमांक के हैं, कोई भी द्वितीय नहीं। जिस प्रकार परमात्मा कहते हैं एको हम द्वितीय नास्मि, मैं एक ही हूं सब में मैं ही हूं और जो मुझ में फर्क करता है मेरे अलग अलग स्वरूपों में जो भिन्न भिन्नता समझता है वो मेरे परम धाम को कभी पा ही नहीं सकता। हनुमान जी महाराज थोड़ी सी शरीर में दुर्बलता के चलते भरत जी ने इस अभिप्राय को समझा,
भरत जी ने सभी प्राय को समझा और हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आपको मैंने बाण मारा, आप मूर्छित हुए, आपका ये इतना समय जो यहां खोटा हुआ ना, इसका भी उपाय मेरे पास है। बोले क्या? आप पर्वत समेत मेरे बाण पर बैठ जाइए और मैं उस बाण से आपको तुरंत ही मन की गति से आपको रामादल में पहुंचा दूंगा। हनुमान जी के मन में थोड़ी संशय हुआ कि मैं बैठ जाऊं वहां तक तो ठीक है, पर्वत समेत अगर मैं बाण पर बैठूंगा क्या बाण चल पाएगा? परंतु राम जी के प्रति भरत जी का जो समर्पण है, जो संतत्व है कि समग्र राज्य के पालने के पश्चात भी राम जी की पादुकाओं को लेकर एक सेवक की भांति नंदीग्राम में रहकर वल्कल वस्त्र धारण करके राम जी ने अगर वनवास झेला है तो भरत जी ने भी वनवास कम नहीं झेला है। हरेक पात्र, हरेक भाई भाई का प्रेम, माता पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य और पुत्र के प्रति माता पिता का कर्तव्य, पत्नी का पति के लिए धर्म और पति का अपनी पत्नी के लिए निश्चल प्रेम की अगाध गाथा है ये रामचरितमानस, ये राम नाम। सुनी कपि मन उपजाभिमाना, मोरे भार चली ही किनी बाना, राम प्रभाव बिचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपी कर जोरी। और ये प्रभु की महत्ता को ध्यान में रखकर हनुमान जी उस बाण पर बैठे और रामादल में पहुंचे। वैद्य सुषेण ने अविलंब जाकर संजीवन बूटी लाकर उसका रस नासिका के माध्यम से लक्ष्मण जी के नाक में प्रविष्ट कराया और लक्ष्मण जी को प्राणदान प्राप्त हुआ। शास्त्रों की कथा के अनुसार प्रेमियों ऐसे दो से तीन बार और भी हुआ है जब हनुमान जी ने बूटी लाकर और सभी के प्राण बचाए। रामचरितमानस सबसे ज्यादा लोकप्रिय ग्रंथ हुआ इसलिए हम केवल उसी के माध्यम से जानते हैं। वैसे कहते हैं जब इंद्रजीत सबसे पहले युद्ध के लिए आया उसने पहली बार में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और इस ब्रह्मास्त्र के चलते वहां पर जो चिरंजीवी थे, वहां पर चिरंजीवी केवल दो व्यक्ति थे, एक विभीषण जी और हनुमान जी, जो समग्र शास्त्रों के माध्यम से सात चिरंजीवी इस ब्रह्मांड में कहे गए हैं और कुछ ग्रंथों के माध्यम से मार्कंडेय ऋषि को भी आठवां चिरंजीव कहा जाता है। उस समय उस रामादल और रावण राम के युद्ध में केवल दो चिरंजीव थे, विभीषण जी और हनुमान जी। कहते हैं उस ब्रह्मास्त्र से राम जी की सारी सेना, राम जी लक्ष्मण जी समेत सारे के सारे वानर भालू सभी कोई मूर्छा को प्राप्त हुए। कुछ देर पश्चात जब विभीषण जी सबको ढूंढते हुए गए तो जामवान जी को सबसे पहले मूर्छा खुली और जामवान जी ने सबसे पहले पूछा कि हे विभीषण जी ये बताइए, हनुमान तो जीवित है, हनुमान को तो कुछ नहीं हुआ, अगर हनुमान को अगर कुछ नहीं हुआ हो, अगर हनुमान अगर सकुशल हैं तो समझो कि हम सारे ही जीवित हैं। कहते हैं उस समय भी हनुमान जी महाराज ने जाकर और सुगंधित औषधि के उस पर्वत को उठाकर वहां लेकर आए और हाथों पर मल मल के घस घस के उसकी सुगंध इतनी फैलाई कि उस सुगंध मात्र से राम जी की सारी सेना, सारे वानर भालू समेत सारे के सारे मूर्छा को त्याग कर खड़े हो गए। रामचरितमानस उत्तर कांड आप और हम सब सभी जानते हैं, लवकुश कांड जिसको कहा जाता है, लवकुश कांड में भी इस प्रकार की कथा मिलती है। राम जी के स्वधाम गमन करने के पश्चात राम जी के पुत्र कुश की पुत्री हेमा के विवाह के समय, हेमा के स्वयंवर के समय उग्रबाहु द्वारा बाणों की वर्षा कर लव को मूर्छित कर दिए जाने का कथन हुआ है
और उन्हें जीवित करने के लिए अगस्त्य मुनि ने मुद्गल ऋषि के आश्रम से संजीवनी लाकर उपचार करने के लिए कहा। क्योंकि राम जी की पूरे परिवार और राम जी के समस्त भक्तों की सेवा करना हनुमान जी ने अपना व्रत बना रखा है। मुनि अगस्त्य की बात सुनकर हनुमान जी उसे शीघ्र ले आए, जिससे उपचार कर कुश ने सेना सहित अपने भ्राता लव को जीवित किया। इस प्रकार अनेकानेक ऐसे प्रसंग मिलते हैं जब हनुमान जी ने हमेशा एक प्रसंग नहीं अनेकों बार संजीवनी को लाकर और राम जी के भक्तों की, राम जी के परिवार की सेवा करी है। अहिरावण महिरावण की कथा आती है कि जब लक्ष्मण जी के जीवित होने के बाद में और अगले युद्ध में मेघनाद का वध करके लक्ष्मण जी ने विजय प्राप्त की, उसके बाद हनुमान चालीसा के आदि में ही उनका निरूपण कर देते हैं श्री गुरु। जो गुरु हनुमान जी हैं उनकी भी गुरु कौन? श्री गुरु जानकी जी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरुण रघुबर विमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में इस परम पावन कथा चरित्र को रखते हुए आइए ऐसे परम भक्त के लिए, वैसे तो कथा इतनी अनंत है कि शायद जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा कि 7 दिनों तक अगर अविरल भी अगर चलती होती तब भी शायद ये कथा पूरी नहीं होती। और आवश्यक है कि जितना समय बालाजी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से हमने पाया, उस अनुसार इस परम पावनी कथा को हनुमान जी के चरणों में आप सभी भगवत जनों के आशीर्वाद से, आप सभी जनों के प्रेरणा से मैंने आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास किया है। श्री हनुमान शतक में अंजनेय और हनुमत गाथा जैसे ग्रंथों में हनुमान जी के माता की दूध का प्रसंग भी आता है, अगर आपने कई ने सुना होगा, जिसमें लंका विजय के पश्चात जब पुष्पक विमान से राम जी, सुग्रीव जी, समस्त सेना और हनुमान जी समेत जानकी जी को लेकर जब वापस अयोध्या की ओर जा रहे थे तो रास्ते में वही गंधमादन पर्वत पड़ा जहां पर केसरी जी का निवास है, जहां पर माता अंजना निवास करती है। राम जी ने हनुमान जी के मन की बात पढ़कर हनुमान जी से कहा कि अगर माता से मिलने का मन हो तो आप माता से मिल लीजिए, हम आपका थोड़ा इंतजार यहां कर लेंगे। कहते हैं गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी, लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी समेत, जामवान जी समेत माता अंजना की कुटिया में, उस महल में गए। सबने माता अंजना को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया, आशीर्वाद पाया। माता अंजना अत्यंत प्रसन्न हुई और हनुमान जी के सारे गुण गौरव को जामवान जी के, सुग्रीव जी के, लक्ष्मण जी के मुख से सुनकर बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रही थी। परंतु उस गौरव के साथ में अंदर ही अंदर उनको क्रोध भी आ रहा था अपने पुत्र पर कि हे हनुमान, मेरी कोख से जन्म लेना और मेरा दूध पीना तेरे लिए व्यर्थ हो गया। हनुमान जी ने बड़े विस्मित भरे निगाहों से अपनी मां को देखा, मां ये क्या कह रहे हो? बोले, क्या लंका सहित त्रिकुट पर्वत को समुद्र में डुबो देने और माता सीता को उठा लाने की तुमने शक्ति नहीं थी?
इसके लिए तुमने अपने प्रभु श्री राम को इतना कष्ट उठाने दिया। तब हनुमान जी से पहले जामवान जी ने उत्तर दिया कि माता, इसमें हनुमान जी का कोई दोष नहीं है, इन्होंने मुझसे कहा था और मैंने ही इनको आदेश दिया था, वृद्ध और बड़ा होने के नाते, कि प्रभु ने केवल सीता जी को देखकर उनका कुशल समाचार, उनका स्थान, उनका पता लगाने के लिए कहा है। तो केवल उनकी कुशलता का समाचार, वो कहां है इसका समाचार केवल राम जी तक पहुंचाने का कार्य सौंपा है, इसके आगे और कुछ नहीं। बाकी लीलाएं तो सारी प्रभु की इच्छा से और प्रभु के प्रेरणा से हनुमान जी करके आए, जैसे कि लंका दहन, अशोक वाटिका उजाड़ना, अक्षय कुमार को मारना, ये सारी की सारी लड़ाई। दोनों हाथ जोड़े अपनी माता के चरणों में बैठे हनुमान जी महाराज, उन्होंने कहा, मां, मैंने अपने स्वामी के आज्ञा का निष्ठापूर्वक पालन किया है। हनुमान ने आपके दूध की लाज रखी है। जामा जी ने कहा, अगर हनुमान जी अगर बिना आज्ञा के अगर ये सब कर लेते तो प्रभु के यश और कीर्ति का विस्तार कैसे होता। कहते हैं इतना सुनने के बाद माता अंजना का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने हनुमान को अपने पुत्र को, अपने प्राणाधिक प्रिय पुत्र को गले से लगा लिया। अनेकानेक कथाएं लोकोक्ति में व्याप्त हैं। राम जी के राज्याभिषेक के समय हनुमान जी दरबार में उपस्थित हैं, सब कोई राज्याभिषेक के अवसर पर राम जी और सीता जी को उपहार कुछ ना कुछ दे रहे हैं। विभीषण जी ने एक मोतियों की माला लाकर राम जी को भेंट करी। कि लंकापति विभीषण ने एक मोतियों का हार दिया और राम ने आभूषण समझा सीता जी की ओर किया। खुश होकर सीता माता ने हनुमान को पास बुलाया है और कहा, तुम्हारी हिम्मत ने विभीषण को राज दिलाया है, इसलिए इस माला के असली अधिकारी तुम हो हनुमान, इस माला को तुम ग्रहण कर। अनुपम मोतियों की उस माला को हाथों में लिए हनुमान जी महाराज उलट पलट कर देख रहे हैं और जब नहीं समझ में आया तो अपने दांतों से उसके एक एक मोती को तोड़ तोड़ कर बिखेर रहे हैं। लंकापति विभीषण जी को बड़ा क्रोध आया, मेरी ऐसी अनमोल कुबेर के खजाने वाली। कहते हैं यक्षराज कुबेर रावण के भाई थे, इसलिए रावण ने अपने कुबेर को भी उसके पद से निष्कासित करके उसका सारा खजाना लूट लिया था। उस कुबेर के भंडार में से वो अनमोल मोतियों की माला निकालकर विभीषण जी ने लाए थे और अपनी माला का ऐसा हाल देखकर उनको बड़ा क्रोध आया। लंकापति मन में पछताया कि मां जानकी ने क्या किया, रत्न जड़ित हीरो का कंठा एक बंदर के हाथ दिया। हनुमान जी ने जब उस माला को तोड़ रहे विभीषण जी ने कहा, हे हनुमान, ये आपने क्या किया? और हनुमान जी कहते हैं, मैं तो ढूंढ रहा था कि ये कितनी अनमोल है। विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी, इसका मोल क्या है ये तो किसी जौहरी से पूछो या मुझसे पूछो। कहे, मैं उस मोल की बात नहीं कर रहा हूं विभीषण जी, हे लंकेश, मैं तो देख रहा हूं क्या इसमें मेरे राम हैं। अगर इसमें राम हैं तो ये मेरे काम की है, अन्यथा ये कोई काम की नहीं है। लंकापति को बड़ा क्रोध आया
और लंकापति ने कहा क्या जिसमें राम नहीं है वो किसी काम की नहीं है? बोले नहीं। और लंकापति विभीषण ने कह दिया हे हनुमान इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो क्या तुम में राम है? इतना ही सुनना था कि हनुमान जी महाराज ने जय श्री राम कहा और अपना सीना फाड़ कर सियाराम का दर्शन करा दिया। सुग्रीव चरण गही नाना भांति विनय कीने हनुमान दिन दस करी रघुपति पद सेवा पुनितव चरण देखिया देवा। राजा अभिषेक का महोत्सव संपन्न हुआ सभी अभी अपने धाम को जाने लगे। हनुमान जी ने कुछ दिन और प्रभु के चरणों में रहने का मन बनाया। अब ये उस समय नर वानर भालू देवता किसी को भी नहीं पता था कि ये कुछ दिनों का संग नहीं ये कल्प कल्पांतर का संग हनुमान जी महाराज का अपने प्रभु के साथ बन जाएगा। कैसे कि साक्षात राम जी हनुमान जी को अपने साथ रखना चाहते हैं। राजा अभिषेक के पश्चात भगवान के तीनों भाइयों ने सीता जी ने सबने सेवा का वितरण कर लिया कि कौन कौन सी सेवा करेगा। और रात्रि के समय किया हनुमान जी प्रभु के चरण दबा रहे थे वो उस सभा में नहीं थे भक्तों की सभा में ऐसे सब काम बट गया। जब हनुमान जी ने पूछा भाई मेरे लिए क्या सेवा है भरत जी ने लक्ष्मण जी ने कहा भाई सारे काम बढ़ चुके हैं अब एक ही काम बचा है और वो ये है कि जब भगवान को जम्भाई आए तब उनके मुख के सामने चुटकी बजाना। हनुमान जी ने उस सेवा को भी स्वीकार कर लिया और अखंड भक्ति का वरदान प्राप्त कर लिया।
हनुमान जी महाराज दिन रात राम जी के आगे पीछे रहते, क्योंकि भाई जम्भाई का तो कोई टाइम नहीं होता कि कब आ जाए। हनुमान जी हमेशा आगे पीछे रहते, बाकी लोग बचता भी रहे थे कि देखो हमको तो अमुक काम की सेवा मिलती है, रात्रि में चरण दबाने की एक को मिलती है, दिन में चरण दबाने की एक को मिलती है, श्रृंगार करते समय उपवस्त्र देने की सेवा जानकी जी करती है, उनको दिन में एक एक दो दो सेवाएं मिलती है, और हनुमान तो हर पल प्रतिक्षण भगवान के साथ है, परंतु जम्भाई का तो है ही ऐसा। कहते हैं हनुमान जी का मन और राम जी का मन, जैसे कि मैंने पहले भी कथा में बताया कि तत्वतः ये दोनों एक हैं, दोनों एक दूसरे के मन को जानते हैं, जो यहाँ सोचते हैं वही वहां सोचते हैं, जो यहाँ आता है वो वही वहां आता है, और उसी के चलते राम जी ने मानव वाणी की देवी सरस्वती को भरत जी के जीवा पर लक्ष्मण जी के बुद्धि में बैठा था और उनसे ये सेवा दिलवाई ताकि हनुमान उनसे कभी विलग न हो। कहते हैं सुधाम हवन जाते समय हनुमान जी ने श्री राम जी से कहा, प्रभु माता वैदेही जानकी जी सी धरती में समा गई और आप भी अपने लोक को जा रहे हो, मेरा यहां क्या काम है, मुझे अपने चरणों से दूर मत करिए। कहते प्रभु हनुमान जी के इस धराधाम पर रहने के कई कारणों में ये कुछ महत्वपूर्ण कारण है। एक तो जानकी जी द्वारा प्रदत्त वो वरदान कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, आप कभी जरा व्याप्त ना करें, आप कभी वृद्ध ना हो और अमर हो। दूसरा कहते हैं कि जब इंद्र ने बालपने में वज्र का प्रहार किया था हनुमान जी की बाई हनुवटी पर, और उसका हनुमान ये नाम जिस कारण से पड़ा था हनुमान जी का, उस समय अलग अलग देवताओं ने अलग अलग वरदान हनुमान जी को दिए थे, उसमें इंद्र का ये एक वरदान भी था कि मैं आपको इच्छा मृत्यु प्रदान करता हूं, आप कल्प कल्पांतर तक इस धराधाम पर रह सकते, जब आपका मन करेगा तभी आप सुधाम गमन कर सकते। परंतु इस वरदान से भी ज्यादा बड़ा वरदान या बड़ी बात हनुमान जी हृदय में धारण करते हैं जो राम जी ने हनुमान जी से कही थी, और वो बात ये है कि हे हनुमान, इस त्रेता के बाद द्वापर आएगा, उसमें भी मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी, जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तब अर्जुन के रथ के ऊपर बैठकर आपको धर्म ध्वजा में स्थापित होना है, समय समय पर आपको इन सब का गर्व हरण करना है। कहते हैं द्वापर में भी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन भीम गरुड़ सुदर्शन और अपनी पत्नी सत्यभामा के गर्व का हरण करने में हनुमान जी की सहायता ली। इधर एक तो सीता जी का वो अमोघ वरदान हो गया, दूसरा राम जी द्वारा ये कहना है कि इस द्वापर में मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, और कलिकाल में इस धरा पर जब तक सूर्य चंद्र हैं, जब तक ये धरा है, जब तक ये ब्रह्मांड है, ये कल्प है, चार युगों का कल्प होता है, इस कल्प के अंत तक जब तक राम नाम इस धरती पर रहेगा, एक भी अगर भक्त इस धरती पर राम नाम लेने वाला बच जाएगा, उस दिन उस पल उस क्षण तक तुमको इस धरा पर रहकर उस भक्त का उद्धार करना है। अतः राम जी की आज्ञा को मानने के लिए, सीता जी के वचनों को सही करने के लिए हनुमान जी महाराज इस धरा धाम पर आज भी विचरण करते हैं। पुराणों से ज्ञात होता है हनुमान जी की उपासना के बारे में, बहुधा देखा गया है वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी की महत्ता, हनुमान जी के चरित्र के बारे में बहुत सारी बातें कही गई, और हनुमान जी की उपासना कब से शुरू हुई इसके ऊपर कोई विशेष वाल्मीकि रामायण में उल्लेख नहीं मिलता, परंतु
जिस समय हनुमान जी ने इस सृष्टि में जन्म लिया उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश यम वरुण कुबेर अग्नि वायु इंद्रादि ने इन्हें अजर अमर बना दिया था और अनेक अनेक प्रकार के इनको वर भी दिए थे। जिस प्रकार अलग अलग ध्यान धारणा समाधि के प्रभाव से रुद्र आदि का सर्वाधिक सम्मान है, उसी प्रकार हनुमान जी भी अखंड ब्रह्मचर्य के पालन से अधिक पूजित और प्रसिद्ध हुए हैं। और इसी कारण भारतवर्ष में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में इनकी आराधना सर्वाधिक सर्वत्र होती है। अनेक अनेक लेखकों कवियों द्वारा रची हुई रामायणों में इनके अद्भुत चरित्रों का वर्णन आता है और हनुमान जी के उपासक के रूप में अन्यत्र बहुत सारे देवी देवता हैं, परंतु सबसे ज्यादा अगर इनका इनके प्रचारक के रूप में किसी का नाम आता है तो वो बाबा तुलसीदास जी। और उनसे भी पहले ये समझिए कि हनुमान जी की महत्ता के लिए जो सबसे ज्यादा कहा गया वो कहा गया ब्रह्म वैवर्त पुराण में। उसमें हनुमान जी को रुद्र की कला से उत्पन्न बताया गया है और स्कंद पुराण के अंदर साक्षात हनुमान जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहते हैं कि तीनों लोकों में तुम्हारे नाम हितकारी होंगे, उपकाराय लोका नाम नामानी तव मारुते। और वहीं पर शिव जी हनुमान जी के 12 नामों का उल्लेख भी करते हैं। हनुमारंजनी सुतो वायु पुत्रो महाबल रामेष्टा फाल्गुनो गोत्र पिंगाक्षो अमिति विक्रमा उदधिक्रमण श्रेष्ठो दशग्रीवस्य दर्पहा लक्ष्मण प्राणदाता च सीता शोक निवर्तना। और इसी प्रकार आनंद रामायण में भी हनुमान जनी सुनो वायु पुत्रो महाबल रामेष्ठ फाल्गुन सखा पिंगाक्षो मित विक्रम उदधिक्रमण शैव सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राण दाता च दशग्रीवस्य दर्पहा। इस प्रकार अनेक अनेक ग्रंथों में हनुमान जी के 12 नामों का निरूपण हुआ। अक्सर हनुमान जी की उपासना के बारे में कहा जाता है कि नित्य निरंतर हनुमान जी के नामों का स्मरण करना चाहिए। ये 12 नामों का स्मरण जो नर जो नारी जो भागवत अपनी आराधना के रूप में त्रिकाल में हनुमान जी के इन 12 नामों का उच्चारण करता है उन्हें हनुमान जी हर व्याधि हर ताप से बचाते हैं। और वे हनुमान जी के 12 नाम हैं हनुमान अंजनी सुत वायु सुत महाबल रामेष्ठ फाल्गुन सखा पिंगाक्ष अमित विक्रम उदधिक्रमण श्रेष्ठ दशग्रीव दर्पहा लक्ष्मण प्राणदाता और सोता सीता शोक निवर्तन। ये 12 नाम पुराणों के अनुसार हनुमान जी के बताए गए हैं जो कथन योग्य हैं। इसके अलावा हनुमान जी के पूजन में उनकी आराधना में षोडशोपचार पूजा का उल्लेख भी है। 16 प्रकार के स्नान में कुएं का शुद्ध जल ताजा और गंधादि युक्त जल और अगर कोई पर्व है उनका जन्मोत्सव है तो दूध दही घी मधु और चीनी के पंचामृत से स्नान कराकर शुद्धोदक से स्नान कराकर उसके बाद तिल के तेल में सिंदूर का लेप विशेष कर हनुमान जी को अति प्रिय है।
हमेशा ध्यान रखें। अक्सर लोग किसी भी तेल में चढ़ाते हैं हनुमान जी पर सिंदूर। एक तो शनिवार और मंगलवार को किसी एक जगह पर उनके घृत में सिंदूर मतलब घी में सिंदूर मिलाकर उसको उनके लेप करने का भी बताया गया है। और विशेषकर तिल के तेल में मिले हुए सिंदूर का उनके सर्वांग में लेपन अगर किया जाए इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। इसके लिए भी एक उक्ति कहीं मिलती है कि राजा अभिषेक के पश्चात जब माता जानकी जी ने राम जी ने सभी को कुछ न कुछ उपहार दिया, राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, विभीषण जी ने मेरी सहायता करी, मैंने उन्हें लंका का पद दिया। सुग्रीव जी ने मेरी सहायता करी, मैंने उन्हें किष्किंधा का पद दिया। हनुमान तुमने तो इन सबसे बढ़कर मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, बोलो मैं तुम्हें कौन सा पद दूं। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जानकी जी ने कहा अरे पुत्र, अगर प्रभु स्वयं साक्षात इतना खुश होकर अगर देना चाह रहे हैं तो तुम क्यों मना कर रहे हो, जो भी दे रहे हैं तुम ले लो, या तुमको जो चाहिए तुम अपनी इच्छा से मांग लो। हनुमान जी ने कहा नहीं माता, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। माता ने फिर समझाया, फिर कहा हनुमान जी हैं कि नाना किए जा रहे हैं। जब माता जानकी जी और राम जी ने बहुत बलपूर्वक कहा तब हनुमान जी ने कहा अच्छा मुझे पद तो चाहिए प्रभु, परंतु एक नहीं मुझे दो पद चाहिए। राम जी जानकी जी इस विषय को देख रहे थे, क्या तो कुछ भी लेने को तैयार नहीं। जानकी जी के मन में भी आया कि देखो अब सभी को एक पद मिला, इनको भी अविचल पद मिल सकता था और ये दो पदों की बात कर रहे हैं। अब चूंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, हनुमान से कह दिया था प्रभु ने कि जो चाहिए सो ले लो। हनुमान जी ने कहा मुझे एक नहीं मुझे दो पद चाहिए प्रभु। और बड़ी ध्यान से सुनिएगा प्रभु, हनुमान जी राम जी के चरणों में बैठे थे, अपने नेत्रों को राम जी के चरणों पर लगाया और कहा प्रभु सबको आपने एक एक पद दिया है, मुझे ये दो पद दे दीजिए। अगर ये दो पद अगर मैं आपके पा जाऊं तो संसार में मुझे इन पदों के आगे और कुछ भी पाने की लालसा नहीं है। श्रोमणी हनुमान जी महाराज की जय। राम चरण अनुरागी हनुमान जी महाराज श्री राम जी के दोनों पदों में अपनी प्रीति को प्रगाढ़ करते हैं। इस बात से जानकी जी इतनी प्रसन्न हुई, इनकी इतनी प्रसन्न हुई कि जो संशय उनके मन में हो रहा था, जो संदेह हो रहा था वो संदेह मिट गया। और जानकी जी ने कहा हनुमान इस संसार में जो भी आभूषण हैं शायद तुम उससे कहीं ज्यादा के लायक हो। राम जी के दोनों पद तुमने मांग लिए, राम जी ने दे दिए, मेरे पास तुमको देने के लिए केवल एक ही वस्तु बची है और वो है मेरा ये सिंदूर। और कहते हैं सीता जी ने उस सिंदूर को हनुमान जी को दान किया और इसी सिंदूर दान के चलते हनुमान जी को वो सिंदूर इतना प्रिय हुआ। एक कहीं लोकाचार में लोकोक्ति में कहीं एक बात और आती है कि राजा अभिषेक के समय जब सीता जी श्रृंगार अपना कर रही थी और राजा अभिषेक का मुहूर्त निकट आ रहा था, राम जी ने भेजा भाई जाओ देखो हनुमान तुम्हारी माता जानकी कहां रह गई। और देखते हैं कि समग्र श्रृंगार सीता जी का हो गया, द्वार तक भी आ गई, अचानक कुछ याद आने से वापस अपने श्रृंगार कक्ष में गई और एक छोटी सी डिबिया से सिंदूर को लेकर यहां मान में सजाया। हनुमान जी ने पूछा कि माता ये सिंदूर क्यों, इसमें ऐसा क्या है? तो माता ने कहा कि ये सिंदूर मेरे सौभाग्य की निशानी है और ये राम जी को अतिशय प्रिय है। हनुमान जी ने
कपी तो कपी है। हनुमान जी ने मन में सोचा अगर माता इतना सा चुटकी भर सिंदूर अगर माथे में लगाती है तो प्रभु इतना प्रसन्न होते हैं कि जानकी जी को अपने वामांगन में सिंहासन पर बिठाते हैं। अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हनुमान जी ने जाकर और सिंदूर को मल के अपने सारे शरीर में लगा लिया, सिंदूर का लेप बनाकर अपने शरीर में लगा लिया। सारी सभा हंसने लगी, हनुमान जी ये आपने क्या किया। राम जी महाराज ने जब देखा राम जी को भी प्रसन्नता हुई। राम जी ने पूछा हनुमान ये क्या अवतार बना रखा है। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या प्रसन्न नहीं है, मैंने तो माता की आज्ञा से आपको प्रसन्न करने के लिए ये सब किया है। जब राम जी ने सीता जी की ओर देखा और सारी बात समझ गए, अति प्रसन्न होकर जानकी जी और राम जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जाओ हनुमान कल्प कल्पांतर तक जो तुम्हारी सेवा में तुम्हारे अंग पर इस सिंदूर का लेपन करेगा उनके सारे कष्टों को हरने का दायित्व हम उठाते हैं। वो श्री बालाजी महाराज की जय, वो श्री हनुमान जी महाराज की जय। और अति प्रसन्न होकर हनुमान जी महाराज गाते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी की आराधना का जैसे मैंने बताया कि उनके पूजन में विशेष कर आराधना का ही एक प्रकार उप प्रकार पूजन है और इस पूजन में उनके ऊपर सिंदूर का लेप लगाना यह हनुमान जी को अति प्रसन्नता देता है। गंध अगर लगाना है, टीका अगर लगाना है तो केसर के साथ घिसा हुआ मलयागिरी का चंदन उपयोग करें या फिर लाल चंदन का टीका हनुमान जी के पूजन में उपयोग है। उसी के साथ कमल, केवड़ा, हजारा और सूर्यमुखी आदि के पुष्प हनुमान जी पर चढ़ाने से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। कहते हैं चातुर्मास देवशयनी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से देव प्रबोधिनी कार्तिक शुक्ल एकादशी तक इन 121 दिनों में प्रतिदिन 108 तुलसी पत्तों पर कदम के वृक्ष की छोटी सी लकड़ी की कलम बनाकर अष्टगंध से राम नाम लिखकर उन्हें पूजित कर ओम हनुमते नमः इस मंत्रोच्चारण के साथ एक एक पत्र हनुमान जी के मस्तक पर चढ़ाएं। कहते हैं इस प्रयोग से हनुमान जी जीवन के सारे अनिष्टों को दूर करते हैं। हनुमान जी के नैवेद्य के लिए बताया गया है कि अक्सर प्रातः के पूजन में हनुमान जी के नैवेद्य में गुड़ और नारियल का गोला और मोदक, मध्यान्ह में गुड़ और घी का और गेहूं की रोटी का बनाया हुआ चूरमा या मीठा रोट और रात्रि में आम अमरूद केला इस प्रकार के फलों को भोग में रखना चाहिए। अगर चूरमा प्रतिदिन न भी हो सके तो कम से कम मंगलवार को अवश्य बनाएं और उसी प्रसाद का भोजन करके एक आसना एक भुक्त उपवास करें। यदि मौन रहकर वाम कर से मतलब कि उल्टे हाथ से यदि मौन रहकर वाम कर से भोजन उस दिन किया जाए तो
तो यह व्रत ऋण मोचन में अधिक उपयोगी होता है। कई सारे भक्तों के मन में यह भी प्रश्न है कि हनुमान जी के ऊपर अक्खी उड़द उड़द के दाने और तेल भी चढ़ाया जाता है। इसका एक सुंदर सा उदाहरण मिलता है कि हनुमान जी महाराज ने जब रावण की कैद से शनि और महाकाल दोनों को मुक्त कराया था, रावण वो बलशाली था जिसने शनि अपने लंका के दक्षिण दिशा के द्वार के ऊपर भगवान शनि और काल दोनों को बंदी बनाकर उल्टा लटकाया हुआ था। जब हनुमान जी लंका का दहन करते हुए उस द्वार की तरफ भी गए तब उन्होंने वहां से इनको मुक्त कराया, परंतु शनि तो शनि है। एक जगह शनि के साथ हनुमान जी के द्वंद्व की भी कथा मिलती है। कहा गया कि धनुषकोटी नामक तीर्थ में हनुमान जी संध्या समय श्री राम जी के ध्यान में मगन थे और उसी समय शनि देवता वहां पर घूमने के लिए आ गए समुद्र तट पर। उन्हें अपने अतुलित बल और पराशक्ति का इतना अहंकार था कि उस अहंकार के चलते चिंता उत्पन्न हुई कि कोई मेरे समान बलकारी कोई इस ब्रह्मांड में ना हो। देव दानव और बड़े बड़े रणबांकुरे भी जिनके आगमन की केवल बात सुनकर भी कांप उठते हैं। संपूर्ण सृष्टि में शनि की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है, यह सोच सोचकर उनका अहंकार और भी बढ़ता ही जा रहा है। और तभी उनकी दृष्टि ध्यान मग्न हनुमान जी के ऊपर पड़ी। फिर क्या था, शनि भगवान ने हनुमान जी को पराजित करने का निश्चय करके उनके निकट आए और अत्यंत अशालीन ऐसे शब्दों में उन्होंने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। उस ललकार को सुनकर ध्यानमग्न हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली और शालीनता पूर्वक कहा कि देखो शनिदेव, आप सूर्य पुत्र हैं और मैं भगवान सूर्य का शिष्य हूं। इस नाते मैं और आप भाई भाई हुए, आप मेरे भ्राता हुए, गुरुपुत्र भी भ्राता के समान होता है। और इस समय मैं प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहा हूं। हम दोनों को यह द्वंद्व की विचार को आपको त्याग देना चाहिए। हम दोनों भाई हुए तो इनमें द्वंद्व कैसा है, और प्रभु का ध्यान छोड़कर मैं द्वंद्व करने आऊं यह तो उपयुक्त ही नहीं है। परंतु हनुमान जी का यह विनय शनि जी नहीं माने और युद्ध के लिए बार बार उकसाने लगे। तो हनुमान जी अपने स्थान से तो उठे नहीं, अपनी पूंछ को लंबी किया और अपनी पूंछ में शनि भगवान को आकंठ मतलब कंठ तक बांध दिया और बांध कर लपेटे हुए ही हनुमान जी ध्यान संपूर्ण होने के बाद श्री राम सेतु की प्रदक्षिणा करने के लिए जाने लगे और अगल बगल जो भी उस सेतु के बड़े बड़े पहाड़ थे अपनी पूंछ को बार बार इधर और उधर पटकने लगे, जिससे शनिदेव पहली बात तो पूंछ से बंधे हुए थे और उसके बाद में लहूलुहान हो गए। कहते हैं शनिदेव ने अपनी उद्दंडता के लिए उसके बाद हनुमान जी से क्षमा याचना करी और परम कृपालु हनुमान जी ने भी शनि देवता को यह कहकर क्षमा दान दिया कि तुम जो मेरा अटल भक्त होगा उसकी राशि में कभी तुम जाकर नहीं बैठोगे। और इसी के साथ शनि की साढ़े साथी जो तुम्हारा नित्य क्रम है, जो तुमको इस ब्रह्मांड में न्यायाधीश के पद पर विराजमान किया है देवताओं ने, उस पद के कारण अगर तुम साढ़े साथी में लगोगे भी हमारे भक्तों पर तो उस पर उनका प्रभाव सौम्य रहेगा।
शनि ने किया प्रणाम कि तेरा दास मुक्त हो मुझसे, शनि ने किया प्रणाम कि तेरा दास मुक्त हो मुझसे, और मुझसे उतना मुक्त कि जितना सहज युक्त हो तुझसे। कहते हैं उस चोट की असह्य पीड़ा है कि मुक्ति हेतु शनिदेव अपनी देह पर लगाने के लिए तेल मांगना शुरू कर देते हैं। और आज तक ये कहा जाता है कि जो उन्हें तेल चढ़ाता है उससे वे तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तभी से शनिदेव को तेल चढ़ाए जाने लगा। और जब रावण की कैद से शनिदेव को हनुमान जी ने छुड़ाया तब हनुमान जी को वचन दिया शनिदेव ने कि आपका जन्म मंगलवार का है, मंगलवार तो आपका होगा ही होगा, परंतु शनिवार को भी जो आपकी पूजा करेगा उसके सारे कष्टों को मैं हरूंगा। इस प्रकार मंगलवार और शनिवार दोनों दिन हनुमान जी आराधना करने योग्य है, विशेष आराधना करनी चाहिए। किसी एक संत से किसी एक भक्त ने पूछ लिया, कहे महाराज कहीं हमने पढ़ा है कि सूर्योदय के बाद सवा प्रहर तक, मतलब लगभग 3.5 घंटे तक हनुमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए, उसके बाद ही हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। परंतु सांकेतिक सारे शास्त्रों ग्रंथों और गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण अंक, इन सब के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है कि प्रातः समय हनुमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए। उस भक्त ने शायद ये सोचकर पूछा होगा कि हनुमान जी द्वारा रामचरितमानस में बाबा तुलसी जी ने जो लिख दिया कि प्रात लई जो नाम हमारा ताई दिन ताई न मिले आहारा, शायद इसके कारण संशित होकर सुबह हनुमान जी का नाम लेने के लिए मना किया होगा। परंतु बात तो यह है कि वहां पर हनुमान जी अपने नाम के लिए नहीं अपितु संपूर्ण वानर कुल के लिए, और कुल के लिए भी नहीं, मैं तो ये समझता हूं तुलसी बाबा के रामचरितमानस से कि अपनी कुलीनता कितनी नीच है यह दिखाने के लिए हनुमान जी वहां पर विभीषण जी से यह बात कहते हैं। जब विभीषण जी महाराज राम जी का नाम छोड़कर हनुमान जी द्वारा सुने हुए और सत्संग के द्वारा ही राम जी के दूत हनुमान जी के चरणों में पड़ जाते हैं, तब उनको उठाकर विभीषण जी को हनुमान जी महाराज ये उपदेश देते हैं कि महाराज आप पहले राम नाम सुन ही रहे थे, वही नाम कंटिन्यू करिए, मेरा नाम लेने से कुछ नहीं होने वाला है, आप अगर राम नाम में रत रहेंगे तभी आपका कल्याण निश्चित है, और इसके लिए केवल इतना ही करना होगा, क्या कि आपको राम नाम में अपनी प्रीति को बढ़ाना होगा। आप बताइए कि ठाकुर तो कृपा करने के लिए ही है और वो अहेतु की कृपा अवश्य करते हैं, अकारण करुणा करण करुणा वरुणालय है, मुझे देखिए मैं कौन सा परम कुलीन हूं, परंतु ठाकुर जी ने फिर भी मुझ पर कृपा करी, राघवेंद्र सरकार फिर भी मुझ पर कृपा करते हैं, जब मुझे जैसे पर कृपा कर सकते हैं तो आप जब उनका नाम रटोगे तो आपका तो कल्याण ही होगा। प्रेमियों अगाध बातें हैं, अनंत बातें हैं, जितनी कहूं उतनी थोड़ी है हनुमान जी की, और एक विशेष निवेदन आज करना चाहूंगा। धीरे धीरे वो पीढ़ी लुप्त प्राय सी हो रही है जिनको रामचरितमानस में कथा सत्संग में प्रेम है, अगर आज की नवीनतम पीढ़ी को अगर आप देखिए, पाश्चात्य संस्कृति कह लीजिए या जिस प्रकार अधर्मियों ने सनातन धर्म पर कुठाराघात किया, मुगलों द्वारा तक्षशिला को समाप्त करने का जो प्रयास हुआ
सनातन धर्मों के ग्रंथों को, वेदों को, शास्त्रों को जिन्होंने जला दिया, इसके कारण कहिए या उसके बाद आने वाले कुछ राजनीतिक हलकों में अन्यत्र धर्मों को प्रसारित करने के लिए, अन्यत्र धर्मों का प्रभाव बढ़ाने के लिए सनातन धर्म को कुचलने की जो कुचेष्टा कही गई, मैं आज इस हनुमत चरित कथा के माध्यम से यह कहना चाहता हूं, धन्य है वो भारत भूमि और धन्य है वो जननी जिन्होंने ऐसा प्रधान सेवक इस संसार को दिया। प्रधान सेवक जरूर भारत देश का है, पर आज भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने की ओर अग्रसर कर रहा है, फिर से सनातनियों में, योग में, ध्यान में, त्याग में सबकी प्रीति फिर से उस ओर ध्यान जा रहा है। आज विश्व इस बात का निरूपण करता है कि भारत का जो सांस्कृतिक धरोहर है वो विश्व में किसी के पास नहीं। मैं एक आज इस हनुमत कथा चरित सप्त सुरभि के माध्यम से आप सभी से इस कथा के लिए कथाव्यास के पद पर बैठने का जो मैंने दुस्साहस किया और आज की इस कथा की समाप्ति पर आपसे केवल यही मांगना चाहता हूं, हर एक माता पिता अपने घर में अपने नव निहालों को, बालकों को, बालिकाओं को प्रातः सुबह उठकर भगवान को प्रणाम करने का एक नियम बनाएं, और चाहे लड़का हो चाहे लड़की रोज एक हनुमान चालीसा की आदत अवश्य लगाएं। हनुमान जी लोक देवता हैं, उनकी आराधना का कोई समय नहीं, उनकी आराधना का कोई ऐसा विशेष नियम नहीं। जब जागो तब सवेरा की उक्ति के अनुसार अपने घर के बच्चों को ये हनुमान चालीसा की आदत अवश्य लगाएं। हो सकता है माता पिता स्वयं कामकाजी हों, वो उतना समय नहीं दे पा रहे हो, तो घर में जो वृद्ध हैं, जो दादा हैं, दादी हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पोता पोतियों, नाते नातियों को एक हनुमान चालीसा अवश्य कंठस्थ कराएं। मेरा विश्वास है प्रेमियों, हनुमान चालीसा की आदत अगर उसे रहेगी, जीवन के अंत तक, जीवन के मध्य तक जब कभी किसी बुराई की तरफ वो आकृष्ट होने लगेगा, पाश्चात्य संस्कृति के कारण कहो या किसी भी कारण से, एक बार उसकी बुद्धि में ये विचार अवश्य आएगा कि क्या मैं ये गलत कर रहा हूं, और वो एक बार का विचार हजारों को, लाखों को उसको बुद्धि से हटाकर सद्बुद्धि में, सन्मार्ग में लगा देगा। हनुमत उपासना अपने आप में अति सरल और अति लोकप्रिय साधन है हनुमान जी को मनाने का। किसी ने तुलसी बाबा से पूछ लिया कि महाराज आपने इतनी बड़ी रामचरितमानस लिख दी, इतने वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान होने के बाद भी आपको प्रभु नहीं मिले? तुलसी बाबा ने कहा मिले तो बोले अगर मिले तो फिर आपने हनुमान जी की आराधना क्यों की? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर्युत मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुजोनक शानम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आपने क्यों प्रणाम किया, आपने क्यों उनका आधार लिया, उनका आश्रय क्यों लिया? तुलसी बाबा कहते हैं कि मेरे ज्ञान से, मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु मुझे मिल तो गए, परंतु मैं उन्हें देख नहीं पाया, मैं उन्हें मिल नहीं पाया, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया, और उसी पहचान के चलते वो मुझे पहचान कराने का काम हनुमान जी ने किया है। एक बार की बात आप सभी ने सुनी होगी, चित्रकूट के घाट पर, मंदाकिनी के तट पर तुलसी बाबा चंदन घिस रहे हैं,
निरंतर रोए जा रहे हैं, निरंतर रोए जा रहे हैं कि मैंने अपने प्रभु को जान तो लिया पर अभी तक पहचाना नहीं, मैं मिल नहीं पाया अपने प्रभु से। साक्षात श्री रामचंद्र जी ब्राह्मण का वेश धरकर तुलसी बाबा के पास आए, बोले बाबा चंदन खिस रहे हो, थोड़ा हमको भी दे दो। तुलसी बाबा ने रोते रोते ही कहा कि महाराज और भी इस घाट पर अन्य बहुत सारे पंडे हैं, उनसे किसी से ले लो। कहते हैं इधर तुलसी बाबा रो रहे हैं और उस चंदन के बट पर वो अश्रु गिर रहे हैं और उसी से चंदन घिसे जा रहे हैं। तुलसी बाबा जब देखते हैं कि श्री राम जी आकर बैठे हैं, श्री राम जी ने जानबूझकर तुलसी बाबा से पूछा, बाबा मैं अन्यत्र क्यों लूं, आप क्यों नहीं देते, और आप तो बड़े भगवान के भक्त हो, ऐसा कैसा आपका कष्ट है जो प्रभु आपका कष्ट नहीं मिटा रहे हैं और आप रोए जा रहे हो। तुलसीदास जी ने कहा मेरे प्रभु मेरी बात सुनते नहीं। बोले क्यों नहीं सुनते, बोले वे आकर मुझे दर्शन देते नहीं। रामचंद्र जी ने ब्राह्मण वेश में तुलसी बाबा से कहा हो सकता है आपके प्रभु को आपकी सेवा आपकी भक्ति पसंद ना आई हो और इसलिए ऐसे कैसे प्रभु की भक्ति आपने कर ली और ऐसे कैसे आपके प्रभु हैं जो आपने जो आपको आकर दर्शन नहीं देते, जो आपकी बात नहीं सुनते। हनुमान जी वहां शुक के रूप में बैठे हैं, तोते के रूप में बैठे हैं और तुलसी बाबा लिखते हैं हनुमान जी ने उस समय चौपाई पढ़ी, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। कहते हैं तुलसी बाबा उन ब्राह्मण वेशधारी रामचंद्र जी के बार बार बोलने पर उनको चंदन का तिलक करने लगे और इधर शुक रूप हनुमान जी ने जब ये दोहा पढ़ा तुलसीदास जी के हाथ से वो चंदन का कटोरा छूट गया और भगवान के निज चरणों में अपने आप को समर्पित कर रोने लगे। तो श्री राम जी के चरणों में ले जाने के लिए महाकवि तुलसीदास जी ने भी हनुमान जी का शरणा लिया है। प्रेमियों इस भवसागर से पार ले जाने के लिए, भगवत चिंतन करने के लिए, भगवत प्रीति में अपने आप को समर्पित करने के लिए सबसे सुंदर अगर कोई जहाज है इस भवसागर से इस भक्ति मार्ग पर अपने को ले जाने वाला तो उसका नाम है श्री हनुमान जी महाराज। ऐसे हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, अगाध महिमा अगाध कथा भक्त शिरोमणि की है, जैसी बुद्धि प्रभु ने अर्पण करी, ज्ञानी नामग्रगण्य भगवान हनुमान जी ने प्रदान करी, जैसी वाणी मां सरस्वती की ओर से मैंने पाई उस अनुसार इस हनुमत चरित सप्त सुरभि को इन सात दिवसीय सत्रों में आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा है श्री सीता रामचंद्र जी जो इस हनुमत कथा के रसिक हैं, उनको ये कथा अवश्य पसंद आई होगी। आप सभी भक्त के बीच बसे हुए नारायण, आप सभी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस कथा का समापन पर्व जो हमने आज मनाया, इस समापन की मैं घोषणा करता हूं। मैं उन सभी हजारों हजारों भक्तों का हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं, जिन्होंने इस कथा को श्रवण किया, इस कथा को अन्य लोगों तक पहुंचाया, शेयर किया और आगे भी इस कथा को YouTube के माध्यम से मेरे चैनल से आप लोग देख सकते हैं। कहते हैं इस कथा अमृत को बार बार पान करने से अमृत की प्राप्ति होती है, अमरत्व की प्राप्ति होती है। अमरत्व इस संसार का नहीं, अमरत्व परमात्मा भक्ति का। मैं उन सभी का हृदय से साधुवाद करता हूं जिन्होंने आज की कथा की सेवा दी। स्वर्गीय सौभाग्यवती गीता देवी, स्वर्गीय श्री राम जी चमड़िया, इनकी स्मृति में, अपने माता पिता की स्मृति में
भाई अशोक जी, गोपाल जी, आनंद जी और सुनील जी चमड़िया परिवार पांडरकवड़ा महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र, एवं अपना नाम गुप्त रखने के लिए जिन्होंने कहा, ऐसे गुप्त सेवा आज के इस कथा की जिन्होंने दी है, उन हनुमत भक्त परिवार को मैं कोटि कोटि धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। बालाजी की अखंड कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे, भगवत भक्ति आपके रग रग में दौड़े, हमेशा सत्कार्यों में प्रभु आपको प्रेरित करें, आप सबका नित्य निरंतर कल्याण हो, हनुमान जी के चरणों में आपकी प्रीति अगाढ़ हो, हर दुख हर कष्ट से, कष्ट भंजन दुख भंजन हनुमान जी आप सबकी रक्षा करें। जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं उन सबका हृदय पूर्वक साधुवाद करता हूँ, उन सारे प्रेमियों का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ जो इस कथा को यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, इस पर कमेंट कर रहे हैं। इस कथा हेतु हनुमत सेवा परिवार ने जो कार्य किया, विशेषतः हमारे गंभीर भैया विशाखापट्टनम से, अमित भैया कलकत्ता से, हमारे परम, मुझे इस कथा की प्रेरणादायक कहिए या हमेशा बड़े भाई मेरे पंडित ऋषि कुमार जी शर्मा हो, हमारे छोटे भाई नीरज जी हो, सुनील चमड़िया जी हो, हमारी मेरी आदरणीय श्रीमती रमा देवी हो, रमा देवी खेमका जी हो, इन सब ने जितना सहयोग इस कथा के लिए मुझे प्रदान किया मैं उन सब का ऋणी हूं। भगवत कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ हनुमान जी के चरणों में इस संकीर्तन को समर्पित करता हूं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय पवन सुत हनुमान जी की जय। आइए जिस रामायण में, जिस रामचरितमानस में इस सुंदर चरित्र का वर्णन आया है, जिससे प्रेरित होकर, जिसको पढ़कर इस कथा को मैंने आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास किया है, आइए उन रामायण जी की कथा, रामायण जी की आरती कर आज की इस कथा का समापन करें। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, thank you।
बखानी काकू सुनते गरुड़ के की आरती श्री रामायण की आरती श्री रामायण की। शास्त्र सब ग्रंथन को रस तन मन धन संतन को सर्वस सार अंश संपत सब ही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस पी की सुभग सिकार मुक्ति जुगती की हरणी लोक भव भूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियती की आरती श्री रामायण जी की। आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरिवर भावे जाके निकट न जाके अंजनी पुत्र महाबल अंजनी पुत्र महाबल दाई संतन के प्रभु सदा सदाई ते पीड़ा रघुनाथ कटाई लंका जारी सिया सुधिलाई लंका सुकोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत बाजन लाई पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, उन सारे कथा की सेवादारों का जिन्होंने सात दिन की कथा में अपनी सेवा प्रदान की है। भविष्य में भी परमात्मा आपको खूब उन्नति दे, खूब तरक्की दे, आप सभी इसी तरह सत्कारियों में लगे रहें और आगे भी और भी कथाएं लेकर आने का आप सभी ने मेरा हौसला बढ़ाया है। आप सभी से नित्य निरंतर सहयोग की अपेक्षा करते हुए आज की अपनी वाणी